मेडिकल दाखिले में जो नीट की परीक्षा होती है उसके लिए उसका रिजल्ट जब से जारी हुआ है तब से लगातार हंगामा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनके लिए फिर से परीक्षा होगी, लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी भी भड़का हुआ है। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आज उसी से जुड़ी बड़ी खबर है। नीट परीक्षा को लेकर विवाद का मुद्दा आज भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। आज अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आज जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उनमें एनटीए की भी याचिका है, जिसमें देश के अलग अलग कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में करने की मांग की गई है। 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो आज जिन मामलों की सुनवाई होनी है उनमें एक याचिका ये है जिसमें एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने ये कहा है कि जो देश के अलग अलग कोर्ट में मामले लंबित हैं उसको एक जगह कर दिया जाए। तो नीट पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब जो मामला चल रहा है एनटीए का एक मामला है, उसके अलावा नीट पर सुप्रीम सुनवाई में और क्या क्या है वो जरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या है कि सुनवाई अलग अलग याचिकाओं की, याचिकाओं में मांग क्या है सुप्रीम कोर्ट में सभी अर्जियों को एक साथ सुनवाई हो, ये कहा गया है एनटीए की ओर से जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। क्योंकि अलग अलग मामले चल रहे हैं उसमें क्या होता है कि अलग अलग कोर्ट के अलग अलग टिप्पणियां भी हो सकती हैं। सुनवाई क्या है कि एनटीए की अर्जी पर होनी है। वक्त सुबह 11 बजे का रखा गया है, 11 बजे। अब जब सुनवाई चलेगी उससे जुड़े अपडेट हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अंकित, 11 बजे सुनवाई होनी है, इसके अलावा और क्या मामले हैं आज कोर्ट में, एक बार जरा ब्रीफ। विवेक, ये सुनवाई 11 से 11:30 बजे के आसपास शुरू हो सकती है और आज सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं हैं उतनी इससे पहले जो जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं किसी भी दिन नहीं लगी थी। क्यों? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इससे यानी कि नीट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई 11 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। 4 याचिकाएं वो हैं जो एनटीए की तरफ से दायर की गई हैं। देश की अलग अलग अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनको यानी कि उनको एक ही जगह यानी कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई है। तो 7 ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें ये कहा गया है कि नीट एग्जामिनेशन को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। किसी में कहा गया है, किसी में कहा गया है कि जो कथित लीक हुआ है पेपर, वो कथित शब्द का मैं इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि सरकार और एनटीए कह रही है कि लीक नहीं हुआ, लेकिन जो छात्र हैं उनका यही आरोप है कि पेपर लीक हुआ है और इसी वजह से देश के कई राज्यों में इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई है। पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब पेपर लीक हुआ है छात्रों की। बिल्कुल इसी बात का जो जिक्र छात्र भी कर रहे हैं कि अगर एफआईआर दर्ज हुई है इसका मतलब पेपर लीक हुआ है, तो उस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की गई है। इतना ही नहीं, एक याचिका में यह भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली याचिकाओं में कहा है एनटीए से कि आप 5 तारीख तक जवाब दीजिए, तो इस मामले में अभी एनटीए का जवाब का इंतजार हमको नहीं करना चाहिए और जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ था उसको रद्द कर देना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग मांगे की गई हैं 7 अलग अलग याचिकाओं में जो कि छात्रों की तरफ से दायर की गई है और 4 याचिकाएं एनटीए की तरफ से जिसमें यह कहा गया है अलग अलग अदालतों में मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ही ले आया जाए। जी ठीक है अंकित, तो ये अहम जानकारी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब एक और बड़ी अपडेट जानिए। छात्र लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि गड़बड़ी जिसने भी की है उसे दंड मिलेगा, वहीं कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वो बयान आपको सुनवाते हैं। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी वो समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। ये जो पूरा मामला है, पूरा बवाल मचा है, इसके केंद्र में सिर्फ एक ही संस्था है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसने बार बार अपने स्टैंड बदले हैं और उसके बाद ये सब आरोप लग रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि आरएसएस के इंद्रेश कुमार का एक बड़ा बयान आया है।
राम भक्ति वाली पार्टी अहंकारी बन गई, इंद्रेश कुमार ने यह कहा है। जो अहंकारी बने उन्हें 241 पर रोक दिया, ये कहा है इंद्रेश कुमार ने। और यह भी कहा कि जिनकी राम में आस्था नहीं है वो 234 पर रह गए। यही राम का न्याय है, यही भगवान का न्याय है, राम सबके साथ न्याय करते हैं। इंद्रेश कुमार का यह बयान सामने आया है, वो बयान हम आपको सुनवाएंगे। इंद्रेश कुमार ने यह कहा कि जिस पार्टी ने राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी बन गए उनको 241 दिया, जो राम विरोधी है उनको 234 दिया, यही राम का न्याय है। इंद्रेश कुमार का वो बयान आपको सुनवाते हैं। पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार को कारण बना। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर एक इन्होंने नंबर दो पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी गुना जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने यह कह दिया है कि यही राम का न्याय है, बीजेपी पर इन्होंने निशाना साधा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ खबर को विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी नीरज पांडे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नीरज, पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने निशाना साधा और अब इंद्रेश कुमार, तो सवाल यहां यह बनता है कि पहले भागवत अब इंद्रेश, कितना लंबा खींच रहा है यह कलेश और कब तक आगे जाएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से संघ की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं उससे एक बात तो तय है कि संघ ने अपनी एक लाइन ली है, और वो लाइन ये है कि उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगा, और इसी कारण से लगातार आप देखें चाहे वो संघ प्रमुख का की नसीहत हो और अब एक बार फिर से आरएसएस के इंद्रेश कुमार की बात हो, तो इससे उनकी उनकी सोच और उनका उनका जो इरादा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो साफ समझ में आता है। अब देखना ये है कि ये झगड़ा कितना दूर चलता है। वैसे ये हमेशा रहा है कि जब जब कोई इस तरह की बातें आई हैं संघ मंचों के जरिए इस तरह की बात कहता रहा है, नसीहत देता रहा है, लेकिन चूंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी को अलग करके नहीं देखा जा सकता, परिवार के एक बड़े सदस्य और छोटे सदस्य के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए जब घर परिवार का जब कोई सदस्य कुछ गलतियां करता है या अलग राह में चलता है तो बड़े का ये फर्ज होता है कि वो उसको नसीहत दे, उसको समझाए और उसको सिखाए। तो हमेशा से ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छोटी मोटी कमियां रही हैं संघ ने उसको अब मंचों के जरिए एड्रेस किया है और उसको बाद में ठीक किया गया है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा झगड़ा है या बहुत बड़ा कलेश है या बहुत आगे तक खींचेगा। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें हैं जो अब मंचों से सामने आ रही हैं, और मुझे लगता है जैसा हमेशा होता रहा है संघ और भाजपा दोनों बैठकर वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा। तो ये भी आने वाले दिनों में देखेगा कि संघ और भाजपा एक साथ बैठेंगे और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो वाला बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने लोकसभा रिजल्ट के तुरंत बाद दिया था। निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होइ, कर्म करे करता नहीं दास कहाए होइ। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त लगातार बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र के सियासी दल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र की सियासी तपिश हर रोज बढ़ रही है। बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पदाधिकारी की आज बैठक है। लोकसभा चुनाव की बैठक में समीक्षा होगी ये कि चुनाव कैसे हुए, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा होनी है, रणनीति पर चर्चा की संभावनाएं हैं। देवेंद्र फडणवीस हैं उसमें, चंद्रशेखर बाबनकुले, आशीष सेलार बैठक में शामिल होंगे। तो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर बैठक होगी, लोकसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा उसकी भी समीक्षा होगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं आज उनकी बैठक है, और चुनाव पर जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उन पर अब चर्चा होगी।
बड़े बड़े नाम जो हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं, महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं। चुनाव नतीजों का साइड इफेक्ट क्या पड़ा है, महाराष्ट्र में कैसे हलचल मच गई है, अब हम आपको कुछ पॉइंटर्स के जरिए इसको समझाने जा रहे हैं। नतीजे के बाद फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार का जो नारा था ये उसी का नुकसान है। उनका ये कहना था कि 400 पार का नारा जो दिया गया उसके बाद विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि भैया 400 इनको दे दोगे तो वो संविधान बदल देंगे, ऐसा एकनाथ शिंदे ने कहा था। ऑर्गेनाइजर ने कहा अजित पवार के साथ जोड़ने से ये नुकसान हुआ है क्योंकि पहले से उनकी छवि खराब थी और जब से वो आए थे तब से विपक्ष लगातार उन पर निशाना बना रहा था कि पहले उनकी छवि खराब थी, जब शामिल हो गए तो ठीक हो गए। ये भी बात सामने आई। उद्धव गुट का दावा सभी विधानसभा सीटों पर वो तैयारी कर लें चुनाव लड़ने की, क्योंकि जब चुनाव होंगे तो वो अकेले जाएंगे चुनावी मैदान में। कांग्रेस ने ये कहा कि कम से कम 150 सीट पर तो लड़ेंगे, एनडीए से अलग हो सकते हैं राज ठाकरे, एमएनएस जो है वो अलग हो सकती है और अकेले चुनाव में जा सकती है। ये सारे बातें हैं जब चुनाव हो गए उसके साइड इफेक्ट से दिख रहे हैं लगातार महाराष्ट्र में क्या हलचल है ये बताएंगे मेरे सहयोगी वैभव परब, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, जरा संक्षेप में समझाइए। देखिए जैसे ही धूपकाल खत्म होता है वैसे ही बारिश का मौसम यहाँ पे शुरू हो गया है महाराष्ट्र में, वैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होते ही यहाँ की राजनीति का भी मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, उसके बदौलत पे देखा जाए तो इंडिया सरकार, इंडिया आघाड़ी सरकार है जो ठाकरे पवार और कांग्रेस के, यहाँ पे लोकसभा में ज़्यादा सांसद इनके चुन के आए हैं। अब महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव शुरू होने जा रहा है और ऐसे में देखते हुए इंडिया गठबंधन है वो हर एक पार्टी का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में देखते हुए इन इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए भाजपा की स्ट्रैटेजी आज तय हो सकती है, इसलिए भाजपा की कार्यकारिणी आज बुलाई गई है और इसमें भाजपा के सभी दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। देखिए भाजपा का जो घटक दल है एकनाथ शिंदे वो भी इस विधानसभा चुनाव में लड़ सकता है क्योंकि हाल ही में उनके 50 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी है अजीत पवार वाली उनके पास भी 40-50 विधायक है और खुद भाजपा के पास 105 का आंकड़ा है। तो आने वाले दिनों में अगर बहुमत की संख्या गाटनी है इसी के लिए समीक्षा बैठक भी की जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकला चलो की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एमएनएस भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अभी चुनाव से पहले लगातार मुलाकातें हो रही थी, जो 24 का चुनाव था उसके पहले आप तस्वीरें देख रहे थे। अभी क्या है कि साफ स्टैंड उन्होंने कर दिया है कि एमएनएस जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी अपडेट जानिए। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली, इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या अजीत पवार को अपने साथ जोड़कर बीजेपी ने गलती कर दी। आरएसएस से जुड़े ऑर्गेनाइजर ने इसी की ओर इशारा किया है। अब बयानबाजी जारी है। बड़ी खबर इसमें यह कि अजीत पवार की पार्टी के बड़े नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल का कहना है कि अजीत पवार गुट को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। भुजबल ने बीजेपी पर तंज किया, कहा कि ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को यूपी में इतनी कम सीटें आएंगी। वो बयान आपको सुनवाते हैं छगन भुजबल का। 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधरा के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परमानी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, हम उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है, जैसे यूपी, तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गट ये है ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता। बड़ी खबर आ गई है, स्पाइस जेट की हैदराबाद टू अयोध्या उड़ान रद्द। टिकट बिक्री नहीं होने के कारण उड़ान रद्द हो गया। 2 अप्रैल को उड़ान की
शुरुआत हुई थी, लेकिन टिकट ही नहीं बिकी तो अब स्पाइसजेट है उसकी हैदराबाद से अयोध्या वाली जो उड़ान है वो रद्द हो गई है। क्यों? क्योंकि टिकट की बिक्री ही नहीं हुई, इसकी वजह से ये उड़ान रद्द कर दी गई है। 2 अप्रैल को उड़ान की शुरुआत हुई थी, टिकट बिक्री नहीं होने के कारण अब ये उड़ान रद्द हो गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, स्पाइसजेट हैदराबाद से अयोध्या और टिकट बिकी नहीं, इसकी वजह से उड़ान को रद्द कर दिया गया है। 2 अप्रैल को उड़ान की शुरुआत हुई थी। बात करेंगे दिल्ली में हाहाकार, मदद का इंतजार, जो जल संकट चल रहा है दिल्ली में, इसकी बातचीत करेंगे। दिल्ली में पानी की कमी का संकट अभी भी बरकरार है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी का टैंकर देखते ही लोग भीड़ जमा कर लेते हैं, भीड़ उमड़ पड़ती है, पानी लेने के लिए दौड़ जाते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने यमुना का पानी बंटवारा करने से इनकार कर दिया। एक तो पानी की किल्लत, ऊपर से भीषण गर्मी में बिजली जो है वो भी झटके दे रही है। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर बरस रही है, तो हिमाचल प्रदेश ने भी पानी देने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में क्या हालात हैं वो तस्वीरें आपको बता रही हैं। दिल्ली में पानी संकट का कब होगा समाधान, ये सवाल दिल्ली की जनता सरकार से पूछ रही है। पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि पानी के टैंकर के आते ही लोग पानी के लिए झगड़े पर उतर आते हैं। मयूर विहार के चिल्ला गांव से निधिश्री की एक रिपोर्ट है, वो आपको देखनी चाहिए। दिल्ली में पानी का हाहाकार है और चिल्ला गांव की तस्वीर हर दिन गर्मी के दिनों में ऐसे ही नजर आती है। एक टैंकर आता है और उस टैंकर से पानी भरने के लिए बड़ी संख्या में ये लोग पहुंचते हैं अपने अपने घरों से बाल्टी और टब लेकर। क्या पता किसी दिन पानी मिले नहीं मिले, तो खाली हाथ लौटना भी पड़ सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर से सुबह विशेष तौर पर इसलिए उठते हैं ताकि पानी भर सके। ये मुझे नजर आ रही है, मैं उधर को अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी। नहीं, पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल टाइम नहीं है इसका पानी वाले का, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशान कर दिया। हम तो घर से भी लंच बनाए, क्या करें, यहाँ आए भगे भगे, अगर टाइम होता है तो इंसान अपना होशियार रहता है, टाइम नहीं है इसका। कितने घर से कितने बाल्टी? अब 4 दिन में आया है तो 2-3 बाल्टी तो ला के 4-4 दिन में आता है टैंकर। 4 दिन? हाँ जी, 4 दिन में आता है और पीला भी पड़ जाता है पानी, तो पीना पड़ता है, क्या करें, कितना पानी कोई मोल कर लेगा। तो लेट से पहुँचे, कैसे भरेंगे पानी? भर लेंगे, अभी लग रहा है ऐसे ही भर लेंगे ऐसे ही। नहीं मिला तो फिर दूसरी जगह जाके देखेंगे। कितनी दूर जाएंगे? आगे अड्डे पे कभी आएगा तो उधर जाएंगे फिर। क्या ये हर दिन की समस्या है? इनकी समस्या है तो डेली की है, रोज की। यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ जाएंगे, यही करना होता है। है और ये ऐसी मुसीबत आई है कि हर साल गर्मी के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसी किल्लत है भीषण गर्मी में कि टैंकर हर दिन इस इलाके में नहीं पहुंचता है। और ऐसे में जब पहुंचता है तो जाहिर है भीड़ होगी ही, क्योंकि हर कोई मोल के पानी नहीं खरीद सकता, 25-30 रुपये दे करके हर दिन खरीदना संभव नहीं है। पानी पीने का है, जाहिर सी बात है इस्तेमाल भी किया जाता है हर दिन, और ऐसे में इस तरीके का टैंकर जब इस इलाके में या किसी भी इलाके में आसपास में जहाँ पर पानी की किल्लत है वहाँ अगर पहुँचता है तो ये भीड़ नज़र आती है। पानी की किल्लत है, इस पर राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन आम लोगों की जो तकलीफ़ है वो कुछ इस तरह से है। अपने सहयोगी अनिल के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली में पानी की वजह से कितना हाहाकार मचा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे, पड़ताल करेंगे, इसके लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के चिल्ला गांव से निधिश्री, जिनकी रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे, चाणक्यपुरी से मेघा उपाध्याय आपको स्क्रीन पर दिख रही है, और दीपक रावत भी दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधिश्री के पास सबसे पहले लिए चलते हैं, अभी पानी की समस्या का क्या हाल है, सुबह से कितने टैंकर आए हैं, लोग क्या कह रहे हैं, बताइए निधि। विवेक, इस वक्त मैं GK1 में हूँ, क्योंकि हमने सोचा कि जहाँ से पानी भरने के लिए हाइड्रेंट प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है वहीं क्यों ना पहुँचा जाए। और ये आपको बड़े बड़े टैंकर्स नज़र आ रहे होंगे, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये सभी टैंकर्स आते हैं। सुबह 5 बजे से यहाँ जो भी टैंकर लेकर के आते हैं, जो संचालक होते हैं, वो लाइन लगा कर खड़े रहते हैं, और ये आपको कई प्रेशर्स नज़र आ रहे होंगे, हाइड्रेंट प्रेशर, जिससे पानी भरते हैं। और दिक्कत यह है कि जो छोटी टंकी जिस टैंकर में लगभग 3,000 लीटर पानी है, उनको दिन भर में 3 से 4 बार एक इलाके में जाना पड़ता है। आप कितने बजे आए? मैम जी, मैं तो पानी भरने आया, पानी की समस्या है घर में, थोड़ी पानी पीने को नहीं, सीधा यहीं आ गए। हाँ जी, मना कर रहे हैं पानी, घर जा रहा हूँ वापस। आपके इलाके में नहीं पहुँचा? नहीं पहुँच रहा पानी, बहुत समस्या है ज़्यादा। आप बताइए कितने बजे आप लोग पहुँचते हैं?
जी मैम 5 बजे आ जाते हैं, 6:10 गेट खुल जाता है। जो टैंकर है वो कितने लीटर का है? जी मैम कोई 8 लीटर का है, 8,000 लीटर का है, कोई 5,000 लीटर का है, कोई 4 का है, कोई 10 का है। आप लोगों की तो शिकायत है कि पानी जो है वो चोरी करके ले जाते हैं आप लोग किसी और इलाके में। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे चढ़ के जाती है लॉक सीट पे, यहाँ साहब लोग चढ़ाते हैं, अफसर लोग, वहीं जाते हैं हम तो। कई बार तो भीड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है पानी भरने के लिए, आप लोग कैसे टैकल करते हैं इन चीजों को? मैम क्या करें, सुननी पड़ती है पब्लिक की भी। एक जरा मैं इनसे बात करूं, पानी भर के आए या लेके जाएंगे? जी मैम मेरी गाड़ी जा नहीं सकी, खराब हो गई है। हाँ जी, इस इलाके में आज पानी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, और गाड़ी से जाएगा। हाँ जी, हाँ जी जी। तो ये इस तरीके की दिक्कत है विवेक, ये देखिए ये बड़े बड़े टैंकर्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब कहीं इस इलाके में जो लोग हैं, चूंकि ये जो है यहाँ से देवली, खानपुर, संगम विहार और उस आसपास के इलाके में पानी जाता है इस टैंकर से, दिक्कतें हैं, कई बार गाड़ी खराब हो जाती है, कई तो मैंने देखा कि मरम्मत की जरूरत ज्यादा है, ऊपर से गाड़ी खराब हो जाती है, तो ये सारी समस्याएं हैं। निधि आप हमारे साथ बने रहिए, अब आपको लिए चलते हैं चाणक्यपुरी, वहां से मेघा उपाध्याय है, वो हाल दिखाएंगे इस तापमान में जल संकट का। देखिए विवेक आप, मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ वो चाणक्यपुरी का संजय कैंप है। मैं पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ जो आसपास इलाके वो आ रही है और हर दिन तस्वीरें बदल जा रही है। आप आज ज़रा तस्वीर देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि आज बाल्टियों की भीड़ नहीं है, जबकि पानी की मारामारी वही है, हाहाकार वही है, आखिर पानी यहाँ बाल्टियों की भीड़ क्यों नहीं है? तो दरअसल बाल्टियों की भीड़ इसलिए नहीं है क्योंकि इस इलाके में केवल एक नल है जिसकी तस्वीर मैं आपको रोज़ दिखाती थी, लेकिन आज वो भी ख़राब हो गया है और ऐसे में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब टैंकर आएगा क्योंकि नल तो है नहीं, तो ऐसे में लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा। हमारे साथ एक महिला जुड़ी है जो इस आस में यहाँ पर इंतज़ार कर रही है कि टैंकर आएगा तो पानी मिलेगा। सुबह से किसी के घर में कोई पानी नहीं गया है, जिन्होंने कल जितना इकट्ठा किया था आज उसी पानी के सहारे उनका दिन कट रहा है। क्या नाम है आपका? जी अनीता देवी। अच्छा, वहाँ जो नल था जिसकी तस्वीर हमने कल भी दिखाई थी, वो नल का क्या हुआ? वो खराब हो गया, बोर्ड में आग लग गया। तो अब क्या होगा मैम उस तरफ से? हम लोग बिना पानी के बैठे हैं। अब कैसे पानी आप लोगों के घर में? अब वहाँ पे टोटी के पास एक दोपहर को एक ही टैंकर आता है, उसमें तो उसमें भी आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। तो आज आप लोगों के घर में पानी कहाँ से आएगा? अब पानी के बिना ही रहना पड़ेगा, क्या करें, कहाँ जाएंगे? मोतीबाग जाएंगे, दूर जाएंगे। कितना दूर है यहाँ से मोतीबाग जिसकी आप बात कर रही हैं? गया ये क्या कहता है, मालचा मारक हो गया ये। अच्छा, ऐसे अभी आ रहे हैं, जरा देखिए इनके हाथ में पानी के छोटे छोटे, पानी कहाँ से ले जा रहे हैं? पानी मिलते ही कहाँ है। दूसरा वाला नल था उसका क्या? बंद पड़ा हुआ अभी। तो पानी कहाँ से आएगा आपके घर में? अब आएगा, जब चलेगा तो मिलेगा, टैंकर वैंकर आएगा कुछ न कुछ। टैंकर कब आएगा? क्या कोई टाइम टेबल नहीं बना हुआ ही हो। तो नल खराब होने के लिए आपने शिकायत की, एक ही नल था वो भी खराब? अरे अकेले शिकायत करे तो क्या होता भाई। दीपक, गंभीर आरोप दिल्ली जल बोर्ड पर भी है, अनियमितताओं की शिकायत उनकी भी है, वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं इसमें? विवेक, कल दिल्ली के जो जल मंत्री आतिशी, उनसे मैंने लंबी चौड़ी बातचीत की थी और उन्होंने अपनी बातचीत में ये कहा, पहली बात तो टैंकर माफिया को लेकर उनका कहना है कि टैंकर माफिया इसलिए बड़ा है क्योंकि जो दिल्ली सरकार के जो टैंकर हैं उनकी संख्या कम कर दी गई और वो तब की गई जब मंत्री को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। इसमें उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया, एलजी को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठा देनी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि टैंकर अगर बहुत ज़्यादा पानी दे भी रहे हैं तो उसका इस पानी पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो कुछ वाटर की जो संख्या होती है बहुत कम होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में हरियाणा के जरिए जो पानी पहुंचना चाहिए, जो मेन रिसोर्स है पानी का, उसमें करीबन 40 MGD यानी कि 40 MGD बहुत ज़्यादा होता है, लाखों लोगों के घरों तक जो पानी पहुंचता है उसमें भारी कमी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, 2-3 दिन सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बहुत जटिल समस्या है, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली 3 स्टेट हैं, अलग अलग राज्यों से किस तरीके का पानी छोड़ा जाने चाहिए, कहाँ कितना पानी छोड़ा जा रहा है, उस पर जो यमुना अपर रिवर बोर्ड है वो इस पर लेकर बैठक करे और ये तय करे कि किसका पानी कितना दिल्ली तक आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी जो राहत मिलनी चाहिए थी दिल्ली वालों को, वो भी फिलहाल नहीं मिली है। अब यमुना अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ये तय कर पाएगा, जिसकी आज बैठक भी है विवेक, मैं बता दूं थोड़ी देर बाद ये बैठक होगी और दिल्ली सचिवालय में जो अधिकारी है उस बैठक में जाएंगे। उस बैठक में तय होना है, 3 स्टेट होंगे, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, इन 3 स्टेट के अधिकारी होंगे जो तय करेंगे कि आखिर आगे दिल्ली में पानी को लेकर क्या होगा।
ठीक है, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको आगे बढ़ते हुए ये बताने जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता तो पानी से परेशान है, लेकिन जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आ रही हैं, एक दूसरे को दोषी ठहरा रही हैं। वो बयान भी आपको आम आदमी पार्टी की आतिशी और बीजेपी का मनोज तिवारी, दोनों का बयान आपको सुनाते हैं। दिल्ली में रोज करीब 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है। ये 40 MGD गिर गया है पिछले एक हफ्ते में। ये 1050 MGD पे आ गया। स्वाभाविक बात है, 40 MGD का पानी का प्रोडक्शन गिरेगा तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी की कमी होगी ही। मैं LG साहब के सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि अगर उनको मुझे गाली दे के संतुष्टि मिलती है तो उन्होंने मुझे जितनी गाली देनी है दी। हमें पता है कि LG साहब और उनकी भारतीय जनता पार्टी हमसे नफरत करती है, लेकिन हमसे नफरत करते करते आप दिल्ली वालों से तो मत नफरत करने लगी है। 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा पानी मांग रहे हैं इस हीट वेव में। अगर पानी, जब पानी हमें ज़्यादा चाहिए, अगर तब पानी का प्रोडक्शन गिर जाएगा तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? दिल्ली में दंगे हो जाएंगे पानी के लिए। पानी देना दिल्ली सरकार का काम है और आप लोगों ने सिर्फ लूट किया है। आपको शराब पिलाने में इंटरेस्ट हो जाता है, पानी पिलाने में नहीं। आपको शराब घोटाला करने में दुनिया भर की बुद्धि लगा लेते हो। व्हाट्सएप पे आप 100-100 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर देते हो बातचीत करके, लेकिन आतिशी जी आपको शर्म आनी चाहिए कि जब LG भी कह रहे हैं बार बार, माननीय कोर्ट भी कह रहा है कि भाई दिल्ली वालों को पानी दो, तो दिल्ली को पानी देने की बात करना आपको गाली लगती है। दिल्ली की सरकार लगातार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली सरकार आरोप लगाने की जगह अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने पर ध्यान दे। इनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। वो अपनी व्यवस्थाएं तो नहीं बना पाए, वो खाली बातें करते रहे हैं, लोगों को बोल करके बातें वो वोट लेते रहे हैं। पानी तो हम हरियाणा, जितना पानी हमारे साथ MOU साइन हुआ है उस पानी को स्वाया करके दे रहे हैं, और उस बात को आज टिल डेट आज भी हम जो दिल्ली को पानी जा रहा है वो पानी पूरा हमारी तरफ से जा रहा है, पानी कहीं कोई कमी नहीं है। परंतु उनकी व्यवस्था का, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि उसको वो डेवलप नहीं कर पाए। उनको अपनी तरफ देखना चाहिए, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय अपनी तरफ देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिल्ली में पानी की कमी पर सियासत भी थम नहीं रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों सुर मिलाकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर बरस रहे हैं। जब हिमाचल सरकार कहती है कि 133 क्यूसेक हमने पानी छोड़ दिया और वो दिल्ली नहीं पहुंच रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? कहां जा रहा है वो पानी? इसका पता लगाया जाना चाहिए। साथ के साथ पिछले कई सालों से लगातार जो लीकेजेस में पानी वेस्ट हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 58% आज पानी पहुंच गया। इस सब चीज़ से बढ़ावा किसको मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है टैंकर माफिया को, बढ़ावा मिल रहा है जल वाले जो शार्क बैठे हैं। कहीं ना कहीं मैं उनको कहता हूं कि जो पानी को बेचने का काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, दिल्ली के पानी की समस्या के विषय में अपने को 2-3 बातों को समझना होगा। जब भी, जिस वर्ष भी हर बार गर्मी आती है और हर बार ये पानी की समस्या सामने आती है, आज कोई पहली बार नहीं है ये समस्या ही है। और केजरीवाल सरकार जो 10 साल से दिल्ली में है, उसका एक ही राग अलापना होता है, वो उसकी जिम्मेदारी दूसरे राज्यों पर देती है। पहले वो हरियाणा के साथ पंजाब को भी दे रहे थे, अब क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है तो पंजाब के सरकार का वो नाम नहीं लेते हैं। अब सारा ठीकरा अपनी नाकामी का वो हरियाणा सरकार पर थोपना चाहते हैं, जबकि हरियाणा सरकार ने आंकड़े देकर के बताया कि दिल्ली को जितना पानी मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा पानी दिल्ली को दिया गया है। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार इसके प्रबंधन में नाकामयाब साबित हुई है। कुवैत से कोची आ गया है वो विमान जिसमें 45 भारतीयों के शव हैं। ये वही शव हैं जो हादसे में 45 लोगों की मौत हुई थी। एक बिल्डिंग थी, उसके किचन में, ऐसा बताया जा रहा है कि उसके किचन में आग लगी और उसमें जो लोग थे उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला और 45 लोगों की मौत हो गई। PM ने इस पूरे मैटर पे नज़र बनाए रखी और जो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उन्हें कुवैत भेजा गया था और उसके बाद ये जो है उनका शव लाया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे शव थे जो इतने
खराब अवस्था में थे, शत विशत हो गए थे आग लगने से, कि उनका डीएनए टेस्ट किया गया और उसके बाद उन्हें उनके परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो कुवैत से कोच्चि ये विमान पहुंचा है, इसमें 45 भारतीयों का शव है, वो अब उन्हें परिवार को सुपुर्द कर दिया जाएगा। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो बिल्डिंग थी उस पर आरोप ये था कि उसका जो ओनर था, मालिक था, वो लालच में ज़्यादा लोगों को उसमें रखे हुए था। इसकी वजह से भी ये हादसा जो है वो इतना बड़ा हो गया। उस बिल्डिंग के मालिक पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद ये जो हादसा हुआ है उसमें 45 भारतीयों का शव इसी विमान में है, अब उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा।